बीती शाम जनपद के थाना खीरी क्षेत्र में नहर पुलिया के पास अवैध खनन की बालू भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार बाबूराम और उनके दामाद निवासी ग्राम पेमन पुरवा हरगांव जनपद सीतापुर को पीछे से टक्कर मारकर टोन दिया। इससे दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। ग्राम प्रधान ने घटना के बाबत जानकारी देते हुए इलाके में चल रहे अवैध खनन की बालू मिट्टी भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर प्रतिबंधित लगाए जाने की मांग की है। जी ट्राली रॉयल्टी भी नहीं होती है और ये लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, किसी को भी कुचल सकते हैं। इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रतिबंध लगना चाहिए। ये गुहार हम भी लगा रहे हैं अपने शासन प्रशासन से कि इन स्थितियों में इन लोगों पर कोई ना कोई प्रतिबंध लगाया जाए, इनको सजा दी जाए। धन्यवाद। किशोर सिंह भदौरिया, प्रधान नकुरी कला। हमारी ग्राम पंचायत पेमन पुरवा मजरा से सतीश नाम का लड़का, शिवराम का लड़का है, वो अपनी ससुराल गया था। वहाँ से अपने रिलेशन में पड़ोसी सरैया जा रहा था, रास्ते में कोरैया जा रहा था, रास्ते में अवैध बालू खनन की ट्राली ट्रैक्टर नशे की हालत में चालक लेके जा रहा था। ये साइड में जाते हुए भी टक्कर ट्रैक्टर से मारी, साइकिल पलटी और बच्चा गाड़ी के नीचे आया और जो है आन स्पॉट एक्सपायर हो गया। क्या उम्र थी लड़के की? लड़के की उम्र यही 25-22 होगी। क्या नाम था? सतीश नाम था। पिता का नाम शिवराम। कहाँ रहते थे ये? पेमन पुरवा ग्राम पंचायत नकुरी कला। धन्यवाद। पिता का? माखनलाल। कहाँ रहते? सरेली। क्या घटना हुई? टक्कर लग गए। कहे से? ट्रैक्टर से। कैसा ट्रैक्टर था? ट्रैक्टर कौन है? बालू वाली थी। हाँ, बालू वाली रहा बाबू जी। बालू वाली ट्रॉली थी। हाँ। आप लोग कहे से? हम साइकिल से बाबू जी। साइकिल से थे। हाँ जी। तो क्या हुआ? ट्रैक्टर पे यहाँ चढ़ गई। किस पर? किस पर? किस पर? लौंडा पर। लौंडा आपका? आपका आपका कौन था? बाबूराम। नहीं, आपका कौन था लड़का? दामाद हमारा। क्या नाम था? 36। अच्छा, तो क्या हुआ उसका? एक्सपायर हो गया। हाँ जी। खनन की ट्राली थी, अवैध खनन वाली, बालू वाली। बालू वाली। हाँ जी। किस जगह घटना है ये? हाँ जी। किस जगह की घटना है? घटना कौन जगह हुई? रुकिया पास। ठीक। पकड़े गए ट्राली? हाँ, पकड़ ले गए बाबू जी।